हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिख में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, मस्त हो गए और बिंदास हो गए। तो आज की जो टॉपिक है वो है टीनेजर गर्ल के ऊपर है कि जो टीनेजर गर्ल्स रहती है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और डाउट रहते हैं कि वैक्सिंग की, कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। स्पेशली जब हम भी नए नए थे तब में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी कि जो वैक्स रहता है कौन सा स्किन के लिए हमारे सूट रहता है। कि एक आता है वीट आता है, और आपका जो है रेजर आता है, और आपका वैक्स आता है। तो तीनों में से कौन सा गर्ल्स के लिए बेटर होता है, और कौन सा क्या करने पे कि हमारे स्किन पे इफेक्ट भी नहीं करे इन फ्यूचर, और ये कराना सही रहता है कि नहीं रहता है। तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं स्पेशली टीनेजर गर्ल्स को। तो ये वीडियो में स्पेशली उन्हीं गर्ल्स के लिए लाई हूँ कि जो इस वीडियो में पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, और जो भी कंफ्यूजन होगा इस वीडियो में मैं आपकी पूरे लास्ट तक क्लियर करूंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ तक आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आऊंगी अच्छे अच्छे जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपको कोई भी डाउट हो आपको इधर या उधर किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो चलिए चलते। तो सबसे पहला जो रहता है, जो बहुत ही सिंपल मैटर रहता है स्पेशली गर्ल्स के लिए, और डाउट भी बहुत ज्यादा रहते हैं, कि आपका जो बहुत से लोग जो हेयर रिमूवर क्रीम यूज करते हैं कि वो कैसा रहता है। तो जनरली मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में जो हेयर रिमूवर क्रीम रहता है वो वर्क तो करता है अच्छे से, उसमें आपको दर्द भी नहीं होते हैं, आप इजिली उससे आप अपने हेयर जो है रिमूव कर सकते हैं। तो लेकिन आपको मैं उसमें बता दूं, हेयर रिमूवर क्रीम अगर आप यूज करते हैं तो इन फ्यूचर जब आपको एक दो बार मतलब सॉफ्ट रहेगा अच्छे रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर जहां आप वो क्रीम यूज करेंगे हेयर रिमूवर क्रीम हाथों में या फिर लेग्स पे या फिर स्किन पे तो भूल से भी ना यूज करें, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो जो आपकी जो स्किन टोन होती है वो होती है, और आपके धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। तो आप हेयर रिमूवर क्रीम ना ही यूज करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनकेस कभी बहुत इमरजेंसी हो उसमें तो एक आध दो बार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसे स्किप करें, एकदम टोटली स्किप करें तो वो आपके लिए अच्छा है, स्पेशली टीनेजर के लिए जो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जो है हेयर रिमूवर क्रीम से बचे। और जो सेकेंड मैटर रहता है वो होता है रेजर का, कि बहुत से जो गर्ल्स रहते हैं उनके लिए बहुत इजली रहता है कि कहीं भी जाना रहता है इमरजेंसी मतलब जो भी रहता है फटाफट रेजर मारी और चल दे, और स्पेशली होता है कि उसमें दर्द भी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को दर्द नहीं बर्दाश्त होता है तो बहुत लोगों को दर्द भी नहीं होता है। तो और जो है कि और उस वक्त तो थोड़ी बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब आप रेजर यूज करते हैं ज्यादा तो आपको रेजर यूज करने के मैं आपको बता दूं उस वक्त आपको तो स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, आपके काम भी बन जाएंगे आपके, जिसमें जो इसमें आपके जो टाइम रहते हैं जो स्किन में पैन होते हैं और आपके जो लगभग बहुत चीजें बच जाती हैं जो आपके लिए तो सही रहता है कि चलो फटाफट हो गया, और ज्यादा आजकल टाइम किसी के पास होता भी नहीं तो मारे और चल रही है। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ कि रेजर यूज करने से होता क्या है। रेजर जब आप यूज करते हैं तो ये आपके जो ऊपर के पार्ट है केवल वो रिमूव करते हैं, जो अंदर के थोड़े थोड़े पार्ट होते हैं बाल रहते हैं वो अंदर से नहीं हटते हैं, बस ऊपर ऊपर के आपके हेयर की जो होती है ग्रोथ होती है वो हट जाती है। तो उस वक्त तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, लेकिन जब उसके बाद जब दूसरा बाल आता है तो काफी हार्ड बाल आते हैं जो, और जो ग्रोथ भी होती है ना हेयर की वो भी बढ़ जाती है और हार्ड बाल आते हैं। फिर उसके बाद जब आप फ्यूचर में यूज करते हैं और उसकी जो काले काले बाल, जैसे जेंट्स लोग को देखते हैं रेजर यूज करते हैं तो कितने ज्यादा मतलब उस टाइप के बाल आते हैं, तो आप इससे बचे। और हाँ, अगर आप नहीं जा पाती बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो अगर आप रेजर यूज करना चाहती
तो किसी अच्छे ब्रांड का ही रेजर यूज करें, वो भी इमरजेंसी में ही यूज करें। अच्छे ब्रांड का रेजर जो होता है उसे यूज करें, इससे आपकी जो स्किन टोन पे कोई इफेक्ट भी नहीं करता है और आप इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत लोग भी यूज करते हैं क्योंकि उन्हें वैक्स कराने में जो भी रहता है या फिर किसी को टाइम नहीं रहता है, जो बाहर रहते हैं, जो पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो वो यूज करते हैं। तो लेकिन अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो यूज करें, लेकिन अच्छे कंपनी का ही यूज करें, अच्छे ब्रांड होना चाहिए जो आपको इफेक्टिव करे। तो अब आता है तीसरा मेथड, वो होता है वैक्स का। तो वैक्स का मैं आपको बता देती हूँ कि वैक्स में तो बहुत लोगों को मतलब कराते हैं, बहुत लोगों को पसंद भी रहता है क्योंकि उसमें दर्द बहुत है, जनरली दर्द तो बहुत होता है अगर आप वैक्स कराते हैं तो। लेकिन वैक्स का एक ये प्लस पॉइंट है कि वैक्स अगर आप कराते हैं तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है, अगर आप मंथली बेसिस पे हमेशा कराते हैं तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो धीरे 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 कम होने लगती है और आपकी जो स्किन टोन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। और जो है कि आपके वैक्स कराने से जो होती है स्किन भी सॉफ्ट रहती है। हाँ, लेकिन दर्द होगा तो थोड़े से पेन आपको मतलब झेलना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपके एडवांटेज रहते हैं वो आपके सारे वैक्स में। तो आप जब भी रहें तो जब भी, स्पेशली टीनेजर गर्ल के लिए जो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप वैक्स ही कराएं, ना आप कोई हेयर रिमूवर क्रीम यूज करें ना रेजर यूज करें। वैक्स कराने से क्या होता है, वो आपके अंदर से बाल निकलते हैं जो हेयर ग्रोथ होती है, और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ भी कम होती है और आपकी स्किन टोन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अंदर जो आपके जो रहते हैं होल्स वो आपके जो है उसमें अंदर डस्ट रहता है पूरा भरे रहते हैं, तो वो भी आपके वैक्स के थ्रू क्लीन हो जाते हैं और आपकी जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी दिखती है। तो आप जरूर वैक्स ही ट्राई करें। और आजकल तो वैसे भी ट्रीटमेंट में बहुत सारे सब निकल गए हैं, लेजर वैक्स निकल रहा है और जिसमें दर्द भी नहीं होता अच्छे खासे, तो आजकल तो मतलब बहुत ज्यादा, तो वो आपकी कंफर्ट के पैकेज के अकॉर्डिंग रहेगा कि आप क्या यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो है कि जो टीनेजर का भी न्यू स्टार्ट की है कि जिन्हें कुछ नहीं पता है कैसे करना है, तो वो वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपकी जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकती हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।